नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म शेयर की, जो शेयर काफ़ी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है पूरा। तो सबसे पहले हम कंपनी की ग्रोथ देखें तो कंपनी हेल्थ केयर सेक्टर में भी काम करती है, आयुर्वेदिक में भी काम करती है, ओटीसी प्रोडक्ट भी देखती है, डाइजेस्टिव भी देखती है, हेल्थ सप्लीमेंट का भी काम करती है, होम एंड पर्सनल केयर का भी काम करती है, फूड एंड बेवरेज, होम केयर, ओरल केयर, इन सारे क्षेत्रों में काम करती है। मतलब हम कहें कि फ्यूचर कंपनी का काफ़ी ब्राइट है, क्योंकि ये सारे सेक्टर हैं जो हमारी डेली रूटीन में काम आने वाली चीज़ें हैं, तो कंपनी इन्हीं को बनाती है। तो कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का फ्यूचर अच्छा है। और इसके बाद हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो कंपनी का अगर आप पिछले 10 सालों का नेट एग्रीगेट देखेंगे तो 10,748 करोड़ का यहाँ पर कंपनी को फ़ायदा हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो कंपनी का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे मार्च 2017 के अंदर आप देख सकते हैं लगभग 7,500 करोड़ के आसपास था, जो 18 में बढ़ा है और 19 में भी लगभग ये 8 के पास पहुंच गया। 20 में ड्यू टू कोविड यहाँ पे आपको थोड़ा रेवेन्यू में कमी देखने को मिली है। अदर देन अगर हम बात करें 21 में, तो ये 21 में लगभग 9,000 को क्रॉस कर गया, 9,000 करोड़ को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेवेन्यू में शानदार बढ़ोतरी देखी गई है। तो कंपनी के हम कह सकते हैं कंटिन्यू कंपनी का जो रेवेन्यू है वो बढ़ रहा है। अगर आप EPS देखेंगे कंपनी का, तो 17 के अंदर ये 7.25 था और 18 के अंदर 7.69, 19 के अंदर 8.17, 20 के अंदर 8.18 और 21 में 9.58। अगर आप मार्केट कैप की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 94,840 करोड़। उसके बाद रेवेन्यू आप देख सकते हैं 9,561। अर्निंग आप देख सकते हैं 106,95.96 करोड़। उसके बाद अगर आप कैश देखेंगे 2,202 करोड़। टोटल अगर कर्जा आप देखेंगे कंपनी के ऊपर, तो 521 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के ऊपर कर्जा है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम है के बराबर है। प्रमोटर की आप ओनरशिप देखेंगे तो यहाँ प्रमोटर होल्डिंग अच्छी खासी है, 67, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कंपनी के बारे में 52 वीक हाई रेंज 41 से 581, तो हम कह सकते हैं शेयर भी स्टेबल है। उसके बाद फेस वैल्यू, कंपनी की फेस वैल्यू 1 रुपये है। तो दोस्तों, कंपनी का जो बेसिक फंडामेंटल है, प्रॉफिट है, रेवेन्यू है, वो कंटिन्यू बढ़ रहा है और हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छा है। बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट कंटिन्यू बढ़ा है। अगर हम देखें 2010 के अंदर कंपनी का नेट प्रॉफिट 501 करोड़ था, 2011 में 569 हो गया, 2012 में 645, 2013 में 763, 2014 में 914, 2015 में 1066 और 2016 में 1251, 2017 में 1277, 2018 में 1354। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर भी आप देखोगे, पिछले 10 सालों से कभी भी कंपनी का प्रॉफिट कम नहीं हुआ, कंटिन्यू कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है और कंपनी ने डिविडेंड भी हमेशा बढ़ाया, आप दे सकते हैं। तो दोस्तों, कंपनी डिविडेंड भी देती है, कंपनी का नेट प्रॉफिट पिछले 10 सालों से बढ़ रहा है, कंपनी का रेवेन्यू भी शानदार है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, 10 साल से प्रॉफिट देती आ रही है, कंपनी में शानदार प्रॉफिट होल्डिंग है। और उसके बाद अगर हम बात करें थोड़ी बुक वैल्यू, कंपनी की जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है, और ओवरव्यू हम कहें तो कंपनी काफ़ी शानदार है, कंपनी का फ्यूचर भी काफ़ी ब्राइट है, कंपनी का मैनेजमेंट भी काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों, कंपनी के पक्ष में काफ़ी सारी बातें हैं, तो आप इस कंपनी को फॉलो कर सकते हैं और ये लॉन्ग टर्म के लिए आपको शानदार रिटर्न। तो कंपनी का नाम है डाबर इंडिया लिमिटेड, FMCG सेक्टर की ये कंपनी, जो अभी 537 के आसपास ट्रेड कर रही है। इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग।